टू मैन दे लव each अदर एंड यू नो दे वॉन्ट टू गेट मैरिड इसमें क्या सोसाइटी को क्या नुकसान हो रहा है इसमें क्या एविडेंट ऐसा नुकसान है कि आप यहाँ भी तलवारें लेकर आ जाते हो और कहते हो जी कि ये बैन होगा ये सब कुछ खत्म कर आप कैसे मॉरल हुए अगर आप जन्नत की मोहब्बत में मॉरल जिंदगी गुजार रहे हैं दो जख के डर से गुजार रहे हैं अच्छा तो ये थी ना फिर कि जिसको मानता भी नहीं फ्री मॉरल जिंदगी गुजार रहा है ओके फेर इनफ बट माई क्वेश्चन इज के वो मॉरल जिंदगी क्यों गुजार रहा है बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर एनी इंडिविजुअल कैन बी Finding meaning in his life. Okay, we are being consistent, and we are not being hypocrites. And they are. That's the only difference. Bismillah Rahman warahmatullahi wabarakatuh. Everyone, today's episode is very special. Alhamdulillah, because I have with me special guest. Uh, let me introduce my guest for today. Uh, I have my special guest, Kesar Ahmed Raja, bhai. शेख मीरा लुकमान एंड हमास अशरफ और आज का टॉपिक जो बड़ा है बड़ा धुआंधार है टॉपिक ये है जी कि क्या अखलाकियात का कोई पैमाना होना चाहिए इज मोरालिटी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कैन मोरलिटी बी डिफ़ाइंड थ्रू अ यूनिवर्सल क्राइटेरिया आपको पता है कि आजकल काफ़ी बहसें चलती हैं और हम सब का मिजाज भी यही बन गया कि यार देखो अगर एक तबका खुश है कुछ करने में तो उन्हें करने दो तुम्हें क्या तकलीफ है उन्हें रोकने में माइंड योर ओन बिजनेस judge anyone मॉरल policing ना करो वगैरह वगैरह तो वी हैव टू एक्चुअली सी from ऑल एंगल्स कि क्या वाकई ही समटाइम्स uh, मॉरल policing जो है वो uh, बहुत extreme लेवल पे अगर चली जाए तो क्या वो नुकसानदेह है या इट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी इन अ पॉजिटिव वे तो इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एंड लेट मी स्टार्ट स्ट्रेट विद कैसर भाई कैसर भाई व्हाट इफ़ आई से मॉरल बनने के लिए आपको रिलीजन की ज़रूरत नहीं है mm -hmm. तो इस पर आप क्या कमेंट करेंगे इस जुमले या श्योर में गुड आर्गूमेंट टू स्टार्ट विथ कि आपको मॉरल बनने के लिए रिलीजन की ज़रूरत नहीं है जी कोई संजीदा मजहबी आदमी आपसे ये कहता भी नहीं है कि रिलीजन के अलावा मॉरेटी आपको मिलती नहीं है इनफैक्ट द दर्गमेंट इज़ अपसाइड डाउन हम ये कहते हैं कि आप एज एन एथियस्ट एक अच्छी मॉरल जिंदगी गुजार सकते हैं सही हम यहां से स्टार्ट करते हैं बट देन वी इनवाइट यू कि आपने ये जो मॉरल सॉफ्टवेयर है ये अक्वायर नहीं किया इट्स इन साइड यू इट्स देयर कोई मॉरल जीन नहीं है आपकी साइकोलॉजी में आप ये भी नहीं कह सकते इवन साइकोलॉजी evolution, को भी आप इम्प्लॉय करके ये साबित नहीं कर सकते कि हमने मोरालिटी एक्वायर की बिकॉज ऑफ वटेवर क्योंकि छोटे बच्चों में पाई जाती hmm. है एल्ट्रोजम पाया जाता है क्वेश्चन so इज the के आखिरकार ये एक ऐसा हायर सिस्टम है ही क्यों जिसने हम जिससे हमने सब्सक्राइब किया हुआ है एंड वी वॉन्ट टू लिव अ मॉरल लाइफ इस इन्विटेशन के जरिए हम आपको फिर फर्दर इन्विटेशन देते हैं कि लोग अगर आपके पास मॉरल जिंदगी गुजारने की कोई वजह भी नहीं है हुँ। और आप फिर भी मॉरल जिंदगी गुजारते हैं

Hmm. being moral because of fear or greed of something, yeah. or being moral because you have to be moral. For example, दीन तो कहते हैं ji जी ye ये डर दिलाता है ka का yeah. punishments का और रिवॉर्ड की ग्रीड देता है मतलब जन्नत की इन सारी चीज़ों की तो कौन शख्स बेहतर है वो कि जो मॉरल बगैर किसी ग्रीड या डर के हो रहा है या वो जो किसी डर या ग्रीड की वजह से मॉरल है अननेसेसरी कंपैरिजन है और बेस्ड है ये एक अनफेयर uh, असेसमेंट पे क्योंकि ये जिस तरफ हमारी गुफ्त गुजार है मैं आपको प्रिडिक्ट कर देता हूँ क्योंकि तो मेरी ये ये पैटर्न बड़ी ना, हम उसे गुजर चुके हैं पहली बात यह है कि देखें आप कैसे मॉरल हुए अगर आप जन्नत की मोहब्बत में मॉरल जिंदगी गुजार रहे हैं तो के डर से गुजार रहे हैं अच्छा तो ये थी स ना फिर कि जिसको मानता भी नहीं फिर मॉरल जिंदगी गुजार रहा है ओके फेयर एंडफ दर माई क्वेश्चन इज के वो मॉरल जिंदगी क्यों गुजार रहा है ना गुजारे किसने कहा है उन्हें उसे सोसाइटी खराब हो जाती है आपको अच्छा लगेगा कि आपकी फैमिली की कोई आके उस उनको इंस्क्योर करे आपको अच्छा लगेगा कि आप पे तशद करे आपके अच्छा लगेगा ये वगैरह पॉइंट वी आर मेकिंग इज के डर आप में भी है डर हम में भी है अगर तो आप ये कहें कि मुझ में किसी तरह का डर नहीं है मैं फिर मॉरल जिंदगी गुजारता हूं हुँ, लेकिन हुँ, आ, अगर आप यह कहें कि अगर हम मॉरल जिंदगी ना गुजारें तो सोसाइटी का सारे का सारा जो जो फैब्रिक है वो तबाह हो जाता है हुँ, तो हुँ, आपको भी बेसिकली डर अपनी जाती सिक्योरिटी का है फैमिली की सिक्योरिटी का है सिर्फ आप ये बता रहे हैं कि मेरे लिए वजह दैट्स वेरी मटीरियलिस्टिक रीजन क्योंकि इससे तो सिर्फ आपको एक स्टेप आगे जाने की जरूरत है बिकम द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द सिटी कि आप अनटचेबल हो जाए आपकी फैमिली स्क्योर आप स्क्योर जो मर्जी करें क्योंकि आपकी तो मॉरल रहने की रीजन ही आपकी अपनी सिक्योरिटी है वंस दैट इज रिमूव्ड

आ जाके वो ये एवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव से उसको प्रूव करते हैं कि देखें हमारी yes. जो वो गुड और बैड है ना वो ख़ुद ही सोसाइटी की वजह से बनती है yes. और सोसाइटी की इस वजह से बनती है क्योंकि फॉर एग्जांपल जब ऑटोमेटिकली इस तरह का होगा कि हमें पता है कि हमने किसी और के साथ एसोसिएट होकर रहना है कंबाइन होकर रहना है वी हैव टू गिव समथिंग एंड मतलब य गिव एंड टेक रिलेशनशिप सही ठीक है और उसमें जिस तरह कैसर भाई ने कहा कि वहाँ पर भी जो मामला आता है कि जब आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पर आपको फियर होता है टेक ओवर का ठीक है ना और एक होप भी होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो आपकी डीलिंग हो जाती है मिसाल के तौर हुँ, पर हुँ. एक फिशरमैन है बैक इन टाइम जन ठीक है एक फ़िशरमैन है उसने वो फिशिंग करता है वो उसकी वो चीज़ अक्वायर करता है अब उसके आगे अगर उसने फॉर एग्जांपल कोई गुड्स अक्वायर करने किसी दूसरे बंदे से तो उसको एक पैक्ट बनाना पड़ेगा मोरल पैक्ट और ट्रस्ट पैक्ट बनाना पड़ता है कि जिससे वो फिश दे और उससे वो अपने गुड आइटम्स ले हुँ, ठीक हुँ, है हुँ। और दूसरा उसको एक सोसाइटी का भी पार्ट बनना पड़ता है कम्युनिटी का भी पार्ट पढ़ना पड़ता है कोई एक्सटर्नल फोर्सेज आके उसके घर और उसकी फैमिली और उसको तबाह ना कर ले

ठीक है वीरा आपसे यही मैं आ, हमास ने बड़ा अच्छा ऐड किया मैं पूछना चाह रहा हूँ कि देखें इज इट रियली प्रैक्टिकल ऐसा मॉडल सस्टेनेबल है कि हम एक बंदे को कहें कि कोई फियर कोई ग्रीड नहीं बस तुम मॉरल बन जाओ कुछ तो बन जाए शायद जैसे कैसर भाई ने भी कहा कि किस कैन भी मॉरल और हमें नज़र भी आता है उनकी सोसाइटी में बड़े अच्छे अच्छे लोग भी मौजूद हैं लेकिन क्या ये वर्केबल और सस्टेनेबल मॉडल है अच्छा 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 अच्� Uh, जब आपने कहा ना कि एथ कैन बी मॉरल तो फिर मेरा सवाल ये होगा हाउड यू डिफाइन मॉरालिटी इन मतलब वड यू मीन बाई मॉरल क्योंकि शायद मेरे नज़दीक जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं अगेन आपकी प्रिंसिपल hmm. के मुताबिक शायद वो डिफरेंट हैं जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक sure. ना uh, एक तो बात यह है दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि देखें <coughs> uh, मेरी नज़र में और इसको मैं कोट करना चाहता हूँ कि एक ऑस्ट्रियन साइकियाट्रिस्ट है विक्टर फ्रैंकल उसकी किताब है बेसिकली मैन सर्च फॉर मीनिंग बड़ी मशहूर किताब है और ही इज़ द फाउंडर ऑफ़ लोगोथेरेपी वर्ल्ड वॉर टू में ही वॉज एक्चुअली डिटेंट इन अ कॉन्सनट्रेशन कैम्प और उसने बेसिकली सर्वाइव किया उस कॉन्सन्ट्रेशन कैम्प में और उसने बेसिकली अपनी एक थेरेपी और एक थ्योरी प्रजेंट की कि द बिगेस्ट मोटिवेशन असन कैन हैव इज़ यानी बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर एनी इंडिविजुअल कैन बी फाइंडिंग मीनिंग इन इज लाइफ यानी अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है ना सो यू कैन नॉट एक्चुअली सर्वाइव यानी वो मोटिवेशन कुछ भी हो सकती है वो मटेरियल भी हो सकती है वो वटीरियल भी हो सकती है यानी फॉर एग्जांपल पैसे भी हो सकते हैं और हार्वर्ड की एक स्टडी है उसके अंदर बकायदा इस बात को बताया गया कि हैप्पीनेस के कुछ उन्होंने पैरामीटर्स और कुछ उन्होंने बताए हैं उनके अंदर एक ये भी है कि एक्विजिशन जो है वो एक इंसान को टम्प्ररीली खुश करती है डेफिनेटली हम उसको डिनाई नहीं कर सकते तो डेफिनेटली जब हम बात करते हैं ना कि एक बंदा है वो दीनदार क्यों बने क्या उसको जन्नत चाहिए क्या उसको मटीरियल क्योंकि आमतौर पर इस तरह की ना चीज़ किए जाती है कि आपको यानी जन्नत चाहिए डी यू वॉन्ट मेजन्स uh, ब्यूटिफुल uh, यानी हो रहे हैं जी जी कहते हैं तो देखिए यार बात यह है कि कुछ मटेरियल रीजंस भी इंसान को मोटिवेट करते हैं और कुछ इन मटीरियल रीजनस भी मोटिवेट करते हैं और हमारे दीन ने क्योंकि तो हमारा दीन जो है ना वो खास लोगों के लिए नहीं है हमारा दीन कुछ स्पेशलाइज लोगों के लिए नहीं है यानी अगर अल्लाह ताला अपने स्टैंडर्ड जो है वो बार इतना हायर कर देते कि सिर्फ़ वो बंदा जो इन चीज़ों के ऊपर ही उससे ही मोटिवेशन ले सकता हैं तो शायद एक अम्बिया के अलावा शायद ही कोई बिल्कुल जो है ना वो पास हो सकता है टेस्ट में ही अल्लाह का एहसान है हम पर लेकिन अल्टीमेटली जो अल्लाह ताली की तरफ से हमें रिवॉर्ड मिलेगा ना वो रिवॉर्ड अल्लाह ताली की रज़ा होगी ईवन आप जन्नत में देख लें जन्नत में दो बड़ी जो है जन्नत तो इंसान को मिलेगी उसमें बहुत सी नमतें हैं जो हमें कुरानी मजीद में बयान की जाती हैं और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है लेकिन जो अल्टीमेट जन्नत के अंदर जो हमें जिस चीज़ से मोटिवेट किया गया जो शायद हम अभी अप्रिशिएट नहीं कर सकते अगेन वी डू नॉट अप्रिशिएट दैट क्योंकि वो इन मटीरियल है so. वो दो चीज़ें कुराना अदीस में आता है एक तो ये कि अल्लाह का दीदार जिसका hmm. जिक्र में मजदीद में भी हुआ और दूसरी चीज़ जो है वो है अल्लाह की रज़ा आखिरी गिफ्ट जन्नतियों का जो है ना जन्नत में वो होगा कि अल्लाह कहेंगे मेरे बंदो, मैं तुमसे राजी होगी और आज के बाद मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होगा तो ये, हो ये हो yes. अप्रिशिएट नहीं कर सकते उसको। हुँ, हम हुँ, आज अप्रिशिएट कर सकते हैं ठीक है वर्ल्ड के मटीरियल बेनिफिट्स को और उससे हम मोटिवेट हो रहे हैं लेकिन क्यामत के दिन हमें अंदाजा होगा कि ये गिफ्ट इसकी कोई इंतहा नहीं है सो वाई वॉन्ट टू सही माई आर्ग्यूमेंट इज के

कि ये जो कहना कि सिंपली जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ गुड अगेन इट्स इट्स नॉट और hmm. इसके पीछे भी एक इंसान की अपनी वो ज़ात है ऐसे भी देखें कुरान मजीद में, में अल्लाह ताला ने जो अपनी वहदानियत का जो आर्ग्यूमेंट बनाया ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है hmm. Hmm. वो आर्ग्यूमेंट अल्लाह ने बनाया कि अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह को बेटों की और बीवी hmm. की क्या जरूरत है अल्लाह बेनियाज है यानी एक वो बंदा जिसके अल्लाह को कोई चीज़ बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर सकती जैसे हदीस में आता है कि पूरी दुनिया भी अल्लाह ताला तो की इबादत गुजार बंदी बन यानी वो बन जाए अल्लाह की यानी जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन परसेंट भी अल्लाह की को कोई बेनिफिट नहीं पहुंचा सकती और अगर हुँ, कोई हुँ, मुखालिफ हो जाए तो अल्लाह को नुकसान नहीं पहुँचा सकती तो अल्लाह ताला के पास है यानी यू डोंट हैव एनी रीजन फॉर चिल्ड्रन और लेकिन इंसान के लिए चीजें बाउंडेड एवरीथिंग तो हाँ इसमें साइकोलॉजिस्ट में, में कुछ थोड़ी सी इस तरह की थ्योरीज भी मिल जाएंगी कि इंसान जो है अपने बच्चों से मोहब्बत क्यों करता उसमें hmm. कुछ ना कुछ मैं ये नहीं कहता मैं डिनाई करता हैं कि इंसान विदाउट एनी बेनिफिट एनी मीनिंग इंसान को मोटिवेशन मिलेगी और मैं तो भी इस पर एक आर्गूमेंट देता हूँ कि देखिये आप ना एक ऐसी कंपनी बनाएं mm. जिसमें आपने ना लोगों को कहना है कि वी विल जज यू बेस्ड ऑन योर इंटरनल इंक्लिनेसन टूवर्ड्स मॉरेलीटी कोई रूल्स नहीं है जब आना आओ लेकिन ये कि यू हैव टू कम ऑन टाइम बिकॉज यू आर इंटरनली गुड तो ये वर्केबल ही नहीं होगा मतलब लोग फ़ायदा उठाना शुरू हो जाएंगे के उस मच जाएगा लोग धोखा देना शुरू हो जाएंगे वगैरह वगैरह जब तक रूल्स नहीं है प्रॉपर प्रिंसपल्स नहीं हैं तो दुनियावी मामला नहीं चलते Uh, कैसर भाई आपने कहा था कि वी नीड अ हायर पावर वी नीड अ यूनिवर्सल क्राइटेरिया ओबियसली आ जाके तो लेकिन फिर काउंटर इसका ये आता है कि देखें जब हम मान लेते हैं कि वो हायर पावर रिलीजन है या गॉड और है तो इससे क्या ज़हनीत बंद नहीं हो जाती इससे फ्री इंक्वायरी बंद नहीं हो जाती फिर इंसान को अकल देने का क्या जो है वो पर्पज़ है अगर हमने आ जाके वही ब्लाइंड फॉलोइंग ही करनी है एक चीज़ को मान के और दूसरा आर्गूमेंट ये भी दिया जाता है कि अगर आप देखें रिलीजस कंट्रीज़ को hmm. तो वहाँ मोरालिटी बहुत लो है yeah. अखलाकियात बहुत लो है और अगर आप ऐसी कंट्रीज़ को देखें स्कैंडिनेवियन मॉडल पेश किया जाता है जिन्होंने मज़हब से जान छुड़ा ली तो वो दे आर इवन मोर मॉरल एंड दे आर मोर हैप्पी हैप्पीनेस इंडेक्स भी बताया जाता है वगैरह वगैरह आई विल लाइक कि आप इन दो आर्गूमेंट्स को जो है वो <coughs> आपसे बात करने का एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बहुत सी गलत फहमियाँ दूर करने का मौका मिल जाता है क्रिएट अपॉर्चुनिटी राइट स्टार्ट विद हैप्पीनेस इंडेक्स हमारे पाकिस्तान में जो हमारे लिबरल्स हैं इंडिया में है जहाँ जहाँ आपको सुना जाता है वहाँ पे यह हैप्पीनेस इंडेक्स को बड़ा hmm. ग्रोथ किया जाता है सही फिनलैंड पहले नंबर <laughs> पर hmm. कभी पढ़ा भी है क्वेश्चन क्या है hmm. सही <laughs> क्या स्टैंडर्ड्स है Hmm. किनकी मेरा के <laughs> <रहे हैं। laughs> अभी फिन ट है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन दुनिया में जो हाईएस्ट सुसाइड रेट है फिनलैंड उनमें भी टॉप के एक दो मुल्कों में है दो तीन मुल्कों में hmm. uh, भी सबसे बड़ा डेनमार्क एंड क्वेश्चन आपकी मर्जी के लिखे हुए हैं hmm. yes hmm. so, तो उसमें ये है। दूसरे उसमें बड़ा प्रॉब्लम यह है आप एक ही डॉक्यूमेंट से एक ही क्वेश्चन से पूरी दुनिया की हैप्पीनेस को जज कैसे कर सकते हैं दुनिया में दो कम्पीटिंग सही। सही। वहां पे हैप्पी आदमी वो है जिसे अपने बाप की नहीं है मां की नहीं है जिसे अपनी उसकी जरूरतें पूरी हो रही हैं एंड दैट्स दैट्स अ हैप्पी पर्सन मुझे रोटी हजम नहीं होगी अगर मेरी माँ को कुछ हुआ हुआ है तो मैं खुश मुझे आप पाकिस्तान का सदर बना दें कि मेरी वालदा तो ये ठीक नहीं बिल्कुल है। सही मैं साल के बाद कार्ड नहीं भेजूंगा ओल्ड पीपल होम में कि ठीक है आप भी जिंदा है मैं भी जिंदा हूँ आप मेरी हैप्पीनेस को उस ये जो है ना कहते हैं ना एम्पीरियल ख़त्म हो गया वो ख़त्म नहीं हुआ है वो परमिट कर गया है दुनिया के सिस्टम्स के अंदर हुँ, हुँ। आपने उनकी हैप्पीनेस को मैार पहले तो बनाया मेरा और फिर मेरा सुवाब अगर वो है जो आपके उसके मैार के पूरा नहीं उतरता है तो आप कह रहे हैं कि मैं खुश नहीं हूँ हाउ डेयर यू हाउ डेर यू रूटेल मीट दिस इज वट इट शुड मीन टू बी है पहली एक बात ये सही दूसरी बात जो आपने कही एक टर्म के इससे फ्री इंक्वायरी खत्म हो जाती है वट इज फ्री इंक्वायरी मतलब आए? लोगों को खुद ये फैसला करना चाहिए ना कि एक चीज़ मॉरल है घरें ही मॉरल है करें दुनिया में आप रिलीजन को छोड़ें आप एवोलूशन को मानना शुरू कर दें दुनिया में कितने एक मिलियन दो मिलियन सौ मिलियन दो सौ मिलियन एवोलूशनिस्ट होंगे कितने हैं जिनसे ये चीज़ हटा ले कि साइंटिस्ट कहते हैं कि वोल्यूशन ठीक है तो उन्हें खुद पता है कि वाकई वोल्यूशन ठीक है hmm. Hmm. तो थ्रो अबाउट करने वर्ड फ्री इंक्वायरी देखें इंसान सोशल स्पीशीज में शुमार किया जाता है ग्रोहों में रहते हैं हम कम्यूनिटीज बनाते हैं जब आप कम्यूनिटीज बनाते हैं तो आप फिर लिबरल नहीं रहते हैं लिबरलिज्म एक लिंग्विस्टिक मनोपली जरूर है लेसानी जबर है कि आप रिलीजन को छोड़ के सिस्टम में आ जाए तो आप रिलीजन से लिबरल जरूर हो जाएंगे बट इट ड मीन की आप एबसलूट टर्म से लिबरल हो जाएंगे इंसान की नेचर में लिबरल होना है ही नहीं जिन चीजों में मैं लिबरल हूं ना उनबरल नहीं है मैं चार शादियां करें मैं लिबरल हूँ वो <laughs> करके दूसरी गर्लफ्रेंड रख के देख ले लग समझ जाएगी लिबरलिज्म <laughs> <laughs> हर सिस्टम के अंदर होता है द फैक्ट ये आपने एक सिस्टम को छोड़ दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि आप हो गए आप पे अपनी पांदियां जरूर होंगी सो फ्री इंक्वायरी फ्री इंक्वायरी कोशिश की थी रिचर्ड स्टर्नबर्ग ने क्वेश्चन किया था सही ड्यूल पी डी होल्डर बायोलॉजिस्ट कैरियर तबाह करके रख दिया गंटर बेकली उस दर्जे का पहली एंथ्रोपोलॉजिस्ट के उसके नाम पे स्पीशीज का नाम रखा गया 160 रिसर्च पेपर्स का राइटर उसने क्वेश्चन किया इवोल्यूशन को जो जॉब थी म्यूजियम की वो वापस ले ली गई विकिपीडिया ने उसका पेज रिमूव कर दिया डिस्क्रेडिट करके रख दिया कौन से प्रीन क्वेरी सही सही ये पूरे पूरा रिलीजन है एक सिस्टम है एक लिबरलिज्म के जो बेस्ट का जो पूरा जो मॉडल है इसके अंदर इंडिविजुअलिज्म uh, uh, है जिसके अंदर ह्यूमनिज्म है जिसके अंदर रिवोलूशन है hmm. आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं hmm. आपको डिसक्रेडिट कर दिया जाएगा सही. वो डोवर बोर्ड का क्या केस हमें नहीं पता है कि सिर्फ इतनी सी बात सिर्फ hmm. इतनी सी बात कि hmm. इवोल्यूशन के अलावा भी जिंदगी की एकशन है सही अदालत ने आगे फैसला दिया कि खबरदार रिवोलूशन के अलावा कोई किसी चीज़ का जिक्र नहीं करना भिल्कुल किसी कॉन्टेक्ट में मुझे मैक्स मैक्सकाइर याद आ जाते हैं वो कहते हैं मैं बीबीसी पे काम करता था तो हमें एक्सप्रेस हमें इंस्ट्रक्शंस थी कि किसी भी कॉन्टेक्स में इसराइल का नाम नहीं लेना हुँ, किसी हुँ, भी कॉन्टेक्स में मेंशन ही नहीं करना इसराइल उनको याद आ जाता है कि उसकी मैक्स मैक्सकाइर की बात याद आ जाती है वो कहते हैं किसी भी कॉन्टेक्स में ना जो, जो जिंदगी की बात है तो, तो उसको आप मैं ना करें तो ये इट डजन मई कैन ई सेंस कि आप क्वेश्चन आप नहीं कर सकते इवोल्यूशन को क्वेश्चन नहीं कर सकते आप उनके किसी सिस्टम को क्वेश्चन नहीं कर सकते आपको डिस्क्रेडिट कर दिया जाता है और फिर आप कहें कि फ्री इंक्वायरी की बात होती है आखिरी बात मैंने आपका वक्त बड़ा ले लिया आप जो क्वेश्चन से आपने शुरू किया था मैं उसको रिवर्स ऑर्डर में लेके चल रहा हूं कि अगर हम ये कहते हैं कि एक हायर बींग है और हम उस तक पहुंच गए तो क्या उससे फ्री इंक्वायरी खत्म नहीं हो जाएगी नौ mm. no. आप अगर जिस माउंटेन को आप सर करने की कोशिश कर रहे हैं mm. अगर आपने उसको सर कर लिया है देर इज नथिंग फर्दर टू गो टू इट ड मीन कि आपकी फ्री इंक्वायरी खत्म हो गई सफर खत्म हो गया देर इज नथिंग एल्स टू गो टू पहाड़ के आप ऊपर चले गए हैं माउंट एवरेस्ट के आप टॉप पर चले गए हैं सो so, अगर हम ये कह दें फॉर अल्टरनेट बात करके इफ

खुदा के नेसेसरी क्या है? जिस खुदा का तस्वर हम पेश करते हैं क्या वो सारे के सारे yes those, फ्री यानी इसके जरिए ही आपका पॉइंट है कि अगर फ्री इंक्वायरी ही करते जाएंगे तो फिर वेयर विल बी चीज चलती रहेगी एक, एक चीज है ना कि वजूद खुदा के पे आपका ईमान है उसके अंदर एक चीज कुछ लोग इसे कहते हैं रिलिजस स्केप्टिसिज्म नॉट नेसेसरीली स्केप्टिसिज्म को बुरा है इनके खुदा को मानने के बाद आप खुदा के फैसलों पे क्वेश्चन क्यों उठाते हैं आप यकीन करें अल्लाह ताला माइंड भी नहीं करते <laughs> नहीं कैसेर भाई तो तमाम प्रॉफिट स्केप्टिक थे मेरे नजदीक में आप देखें उन्होंने अपनी सोसाइटी और अपने जो वो कल्चरल नॉर्म्स थे उनको चैलेंज किया इन 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 अ पॉजिटिव वे वो तो कल्चर को किया ना आप ये देख लें कि अल्लाह ताला को मानने के बाद फ्री इंक्वायरी इब्राहिम से ज्यादा फ्री इंक्वायरी किसने की है अल्लाह ने कहा मार के मैं जिंदा करूंगा उन्होंने कहा मानता तो हूं लेकिन थोड़ा डेमोस्ट्रेशन दे दे तो। हुँ। हुँ। कुरान में बता रहे ये नहीं कहा कि मैंने आगे से

और जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा ना ये मॉल रेलेटिविज़म की अगर आप बात करें जी हैं, और अगर कहते हैं कि हमारा कल्चर है हमारे कुछ मॉरल वैल्यूज़ हैं कुछ स्टैंडर्ड्स हैं तो सवाल ये कि ये तो चाहते हैं कि हमारे मॉरल वैल्यूज़ की इजाज़त दी जाए बिकॉज दे आर रिलेटिव सही सो हमारा जब हम इस आर्ग्यूमेंट को यूज़ करते हैं कि जी ये हमारे मॉरल वैल्यूज़ ही हैं तो इनको एक्सेप्ट mm -hmm. किया जाए mm -hmm. उसको कभी नहीं मानते मिसाल Sorry. के तौर पे अमेरिका के अंदर आज अमेरिका mm -hmm. यूएस एम ने पाकिस्तान में बड़े ओपनली ट्वीट की Uh, कि जी एल जी बी टी क्यू के खिलाफ के भी ये सपोर्टिंग दम और जो है ना वो इन दिसज इस मुल्क के अंदर हमारा ये एजेंडा है एंड वी सपोर्ट दैम ओपनली एंड वी आर इन्वेस्टिंग इज वेल कोई इस तरह की चीज़ें उन्होंने की hmm. और इसके एविडेंसेज मौजूद हैं आप देख सकते हैं उनकी ट्वीट में और अगर फॉर एग्जाम्पल क्या ये तो उन्होंने कर ली पाकिस्तान hmm. के अंदर क्या hmm. कोई पाकिस्तानी एम्बेसडर यू एस में बैठ के hmm. हिजाब के बारे में इसी मॉरल रिलेटिविज़म कि को कि को करते हुए ये हम हिजाब प्रमोट करना चाह रहे हैं यहां पे और हम इस्लामिक लॉ जो है उसकी इंपॉर्टेंस को जो है ना उसकी कैंपेन कर रहे हैं उसकी अवेयरनेस फैला रहे हैं जो बताया कोई कर सकता है यहाँ पे ना नवे फ्रांस में किस तरीके से कितनी एक्स्ट्रीमिज्म है मुसलमानों की

ठीक है और ये यहीं पर ही वो फॉल्स हो जाते हैं और हालांकि अपेरेंटली जो इन्होंने सारा भांडा बफोट रहे हैं ना पूरा यू और यू के अंडर वो इसका नॉर्मेटिव कई कर रहे हैं लेकिन आ जाके इसमें फेल होते हैं बहुत बड़े फेलियर हैं इम्पीरियलिज्म को ही फैलाते हैं कतर वर्ल्ड कप अभी हो रहा है शुरू तो वहाँ पे अब बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है आपको ही पता है कि कतर के बड़े स्ट्रिक्ट कुछ रूल्स हैं वो कह रहे हैं जी क्या आपने फॉलो करना है हमारे रूल्स को नो यू आर इन आवर लैंड सो लिव बाय आवर रूल्स तो वो कहते हैं कि नहीं जब हम ये कहते हैं कि तुम नॉन मुस्लिम लैंड्स में आए हो तो तुम भी नॉन मुस्लिम रूल्स के मुताबिक रहो तो वहाँ आप जो है वो रिजेक्ट करते हैं हमें आप कह रहे हैं हम एक्सेप्ट कर करें तो ये तो डिस्क्रिपेंसी है बिल्कुल है अब <laughs> मजे की बात और कतर कंपेयर किया जा सकता है इन फिनलैंड और उनसे इन टर्म्स ऑफ उनकी जो हैप्पीनेस uh, yeah, uh, इंडेक्स के मामले इंडेक्स में उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल क्राइम रेट्स और उन चीज़ों में वो उसके मुकाबले में आती है वो कंट्री सही और उसके बावजूद जो है ये वाले मामले में दे मतलब फेल बिल्कुल नहीं लेकिन मैं मैं चाह रहा हूँ कि हम ये डिस्कस करें कि देखें फिर तो उनका आर्गूमेंट ठीक है ना वो ये कहते हैं कि जब आप हमारे लैंड्स में आते हैं नॉन मुस्लिम अच्छा, में, अच्छा। और हम आपको कहते हैं कि अब हमारे रूल के मुताबिक रहो तो आप रिजिस्ट करते हैं आप कहते हैं नहीं हमारी कुछ वैल्यूज हैं हमने वी हैव टू अपहोल्ड होल्ड आप कोई नहीं होता है हमें रोकने वाले और हम आपको फिर इजाजत देते हैं ठीक है कि ठीक है कर लो जैसे यूके की मिसाल ले लें वहाँ ओपन दावा स्ट्रीट दावा हो रहा है ठीक है ना गवर्नमेंट आके नहीं पकड़ेगी आपको अमेरिका में न्यूयॉर्क स्क्वायर में जो है वो तरावी की नमाज हो गई अजान दे दी गई उन्होंने कहा तो वो ये कहते हैं कि जब हम आपके लैंड्स में आते हैं तो आप हमें क्यों रोकते हैं हम आपको नहीं रोक रहे आप हमें जो है वो देखें वो ये इसी बात पर पॉइंट आता है ना कि अगर वो नॉर्मेटिव क्या कह कहते हैं मॉरल रिलेटिविज्म अप्लाई करते हैं लिबरलिज्म अप्लाई करते हैं वो उनके स्टैंडर्ड है वो हमारे स्टैंडर्ड तो नहीं हैं हमारे स्टैंडर्ड में रूल्स हैं इवन दो एप्लीकेशन में वो ए हम और वो एक ही जैसे हैं वो हुँ, भी ऑब्जेक्टिव उनके रूल्स हैं वहाँ पर हुँ, हुँ, जैसे हुँ, मिसाल हुँ, के तौर पर आप पब्लिक प्लेसेस में हिजाब नहीं पहन सकते फ्रांस में फॉर एग्जांपल या फिर इस तरह के जो रूल्स हैं उनके भी रूल्स हैं स्ट्रिक्ट हैं हमारे भी रूल्स हैं फिर ठीक है प्रैक्टिकलिटी में हम दोनों एक जैसे हैं लेकिन आइडियोलॉजी के लिए ठीक hmm. है ना अगर hmm. हम डिफर भी करते हैं तो हमें फिर भी इजाजत है कि उनके एरिया में हम ऑपरेट करें लेकिन उनको इजाज़त नहीं है कि वो हमारे एरिया में उस तरह ऑपरेट करें hmm. क्योंकि हम जो हैं hmm. हम वी आर बींग कंसिस्टेंट

स्ट दट ऑब्जेक्टिव ट्रथ यानी वो उसके खिलाफ कोई चीज जो हमारे लिए डेट्रीमेंटल है हमारी सोसाइटी के लिए और मल्टीपल चीजों में हम उसको कैसे अलाउ कर सकते हैं hmm. जो मॉरल रिलेटिविज्म

हम तो शुरू से कहते हैं डिफरेंस hmm. उनके बारे में और उनसे और हमारा डिफरेंस इस चीज़ क्या है कि वी आर कंसिस्टेंट एंड वी आर नॉट हिपोक्रेट्स एंड दे आर दैट्स ओनली डिफरेंस कैसे भाई मैं आपको मिसाल देता हूँ एक घर है उसमें चंद अफराद रह रहे हैं और हर बंदा अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार रहा है एक कहता है जी मैं वेजिटेरियन हूँ एक कहता है मैं मीट खाऊँगा आपस में कोई लड़ाई नहीं हो रही बड़े सुलाह से सारे रह रहे हैं बड़े इतफाक से रह रहे हैं सारे तो ये मॉडल पेश किया जाता है कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ का ये बेसिकली मॉडल है कि कोई किसी को तंग नहीं कर रहा है कोई किसी को नहीं पूछ रहा है एवरी वन हैज़ द फ्रीडम टू डू वट एवर दे वॉन्ट ऑन दी अदर हैंड जो इस्लामिक माशरे में बड़े तंग नज़र कन्जरवेटिव और मॉरल पुलिसिंग करने वाले और ये कि उससे पर्सनैलिटीज़ डिस्ट्रॉय होती हैं लड़ाइयाँ होती हैं रिलीजन कब से वॉर्स करवाए जा रहा है वगैरह वगैरह तो इस पर वट डू हैव टू से अबाउट दैट अगेन बड़ा बेनिफिट होता है आपके पास आके सो मनी थिंग्स वी कैन एड्रेस अच्छा इस्लामी मुल्कों में कन्जर्वेटिविज़म है लड़ाइयाँ होती हैं एंड सो फोर्थ यू में पुलिस नहीं होती किस चीज़ को रोकने के लिए होती है क्राइम और लड़ाइयाँ ये सारा कुछ इस वक्त यूरोप का जो सबसे बड़ा कंसर्न है या बड़े तीन कंसर्न में थे वो लंडन के गेंग व हैं वहाँ पे मीडिया पॉलिसी है कि 10 से 11 परसेंट बैड न्यूज़ मीडिया में आ सकती है सही उससे ज़्यादा आए तो इन्वेस्टमेंट नहीं आती इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हर्ट होता है तो मुल्क में बदमनी नज़र आती है और हमारा दानश्वर भी वहाँ पर जैसे मैं कहता हूँ ना कि वेस्ट के सिटिंग रूम से होकर वापस आ जाता है उनके कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जाता है पार्लियामेंट में जाता है आ, कुछ लोगों से इंपॉर्टेंट लोगों से मुलाकात करके एक्टर्स वगैरह से वापस आके बताता है वो वेस्ट में तो हर चीज़ जो जन्नत है मुझसे पूछो ना कई साल मैं रहा हूं में रहा हूँ वहाँ फैक्ट्री में मजदूरी की है टैक्सी चलाई है आम लोगों के साथ रहा हूँ ये हमें जज्बाती बातें कि टॉलरेंस ये वो वगैरह वगैरह आप मिल वॉल फुटबॉल क्लब की शर्ट पहन के वेस्ट हैम के जो मेन शॉपिंग एरिया उसमें से ज़रा गुजर के खैर खरीद से दिखा दे मैं आपको मान बेल बेलफास्ट में लेकिन मैं एरियाज़ का नाम नहीं लूँगा मैं ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ पे आपका नाम अगर करण है सर तो आपको मनरो चेंज करके जाना पड़ता है वहाँ पे अच्छा के नाम से पता चल जाता है जैसे हमारे है ना कुछ नाम स्पेसिफिकली में कुछ अह में है जैसे हैं तो नाम तो कॉमन नहीं है लेकिन एक बन जाते हैं तो वहां पर भी जो है ये प्राउड रेस्टोरेंट क्या वगैरह इतना ज्यादा ना आप कह सकते हैं कि दिस दिस इज समथिंग टू विद रिलीजन ट्रू लेकिन मेरे साथ फुटबॉल की भी एग्जांपल दी है मैं उसके साथ आपको और भी ऐसे कई एग्जांपल्स दे सकता हूं कि वहां पर बदमनी है पाई जाती है माई क्वेश्चन इज ऐसा नहीं है कि एक वेजिटेरियन है और एक ऐसा इस पर किसको एतराज है इस्लाम में किसी को ऐतराज़ नहीं है क्वेश्चन को एड्रेस किया जाना चाहिए फिलोसॉफिकल लेवल पर और फिलोसॉफिकल लेवल पर जब क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं तो किसी भी देखें जो जो ट्रूथ वैल्यू है ना किसी भी फिलोसॉफिकल क्लेम की उसको एसरटेन करने का बेस्ट तरीका यह है कि उस क्लेम को उस फिलोसफी पे ही आप अप्लाई करके देखें कि ये मेरिट पे पूरी उतरती है या नहीं उतरती हुँ, हुँ, तो हमारे पास दो चीजें हैं मॉरल है, moral है और रिलेटिविज्म है अगर ये मॉरल है तो ये रिलेटिव क्यों है हाँ। कैसे <laughs> मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि मॉरल जो मोरालिटी के सब्जेक्टिव हो सकती है लेकिन वो कल्चरल लेवल पे होती है सही इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होती फॉर एग्जांपल जो क्रिमिनल लॉ होता है वो मॉरल रोंग को एड्रेस करता है अब मॉरल रोंग क्या है सोसाइटी में देखें कि यूके में शराब पीना जायज है मॉरली रॉन्ग नहीं है तो वो सोसाइटी ने सब्जेक्टिवली तय कर लिया है एक कल्चरल लेवल पे एक इस्लामी मुल्क में आएंगे तो वो मॉरली गलत है अब सोसाइटी ने तय कर लिया तो सोसाइटी सब्जेक्टिविटी है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि यूके के अंदर एक आदमी तय कर लेगा कि नहीं भाई हर आदमी की दिफा करना है तो फिर दिफा करना पड़ेगा फिर इंसेस्ट का दिफा करना पड़ेगा फिर हर वो चीज जिसके खिलाफ हम कहते हैं कि मॉरली हम सब्सक्राइब नहीं कर सकते उसका दिफा करना पड़ेगा ये कदर की आप बात कर रहे थे अर्जेंटीना में कंपेन्स हैं बहुत सी की वो बेलबास होकर इवन अंडर गारमेंट्स भी नहीं होते बेलबाश होके अपना मुजाहरा करती हैं कि हमारा हक है क्यों कपड़े पहने भी नहीं पहनेंगी आप इंग्लैंड में कराएं वर्ल्ड कप उन खात को आप हक दें कि आपके में बेलबास बैठे वी विल सी के आप ये कर सकते हैं कि नहीं नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते सकते वी नो आप क्योंकि आप ये कहते हैं कि नहीं हमारे पास एक हायर हायर मॉरल ग्राउंड है सोसाइटी का ये उसको वायलेट करता है देर फोर वी डाउंट अलाउ इट तो भाई कतर में अगर हम जेंस प्रस्ती को अलाउ नहीं किया जाता जो कि नहीं किया जाता ऑल यू हैव टू डू इज ज़मीन पे वापस आ जाएं आप इंसान ही हैं hmm. रंग गोरा होने का और पूरी दुनिया पे कब्जा करने का मतलब ये नहीं होता कि आप नीचे के मंच बन गए हैं hmm. कि अब hmm. आपकी hmm. वैल्यूज हर जगह पर अप्लाई होंगी इफ़ इट इज अलाउड और जब बिड मिली थी ना कतर को फीफा hmm. ने दी थी यू न्यू एग्जैक्टली वेटिंग एन ट्रूथ अब जबकि वर्ल्ड कप सर पे आ गया तो आपको याद आ गया कि नहीं वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए और वैसा नहीं होना चाहिए दिस जस्ट नो नो टू इट इज़ द केस फॉर मोरालिटी का एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया होता है इस पर क्या आर्गूमेंट है हमारा देखिए इसमें एली भाई जैसे कैसर भाई ने बात की मैं इसी को इसके साथ रिलेट करूँगा देखें फिलोसफी जो है ना ये जैसे हम कहते हैं कि आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पे जब हीज़ को अस करते हैं तो वाई डी कॉल मॉरिटी क्या होती है एथिक्स के अंदर जब मॉरलिटी डिस्कस की जाती है तो मॉरल कोड इज़ बेसिकली अ कोड दैट गवनज योर बिहेवियर आपकी फ्री विल है उस फ्री विल को गवर्न करने के लिए एक मॉरल कोड होता है एक्चुअली मॉरल कोड होता है इसीलिए ताकि आपके बिहेवियर को एक डिसिप्लिन किया जाए और कुछ राइट्स एंड रॉन्ग्स के बारे hmm. में फ़ैसला किया जाए जब आप कहते हैं ना कि मॉरल रिलेटिविज़्म hmm. तो इन अदर वर्ड्स आपने कोई मॉरल कोड नहीं दिया एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन मॉरल रिलेटिविज़म कि मॉरल हमें कोई कोड नहीं देता hmm. हमें गाइडलाइंस नहीं देता मॉरल hmm. रिलेटिविज्म सिर्फ आपको ये कहता है कि आप खुद अपना मॉरल कोड डिसाइड करें हालांकि मॉरल कोड का मतलब ये था कि के अंदर कुछ अफराध रह रहे प्योर hmm. अगर, yes. अगर आप बिल्कुल रिलीजन को साइड निकाल के भी अगर आप बात करें ना तो सर्टन रूल्स सर्टन कोड ऑफ कंडक्ट जिसको जो हमें कवर्न करेगा हमारे बिहेवियर को और हम उनकी बेसिस पर फैसला करेंगे कौन सही है कौन गलत है hmm. तो फंडामेंटली या फिलोसॉफिकली या आइडियोलॉजिकली ये फेल्ड एक नैरेटिव है दैट्स दैट्स इन दैट वे और ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है कि इट डजेंट प्रोवाइड एस विद बिहेवियर एक hmm. प्रॉपर कोड नहीं देता सिर्फ hmm. ये कह देता है कि जी इस तरह इस तरह कर लो तो इस तरह जो मिल जाएगा आपको ये नहीं हमारा दीन जो है आपने जो बात की हमारे दीन के अंदर अल्लाह ताला ने हमें एक पूरा मोरल कोड दिया और इस लेवल पे जाके मोरल कोड एंड आई एम रियली यू नो सुबह मेरे महरान होता हूँ कि यानी अगर आप पैल कोड के ऊपर बात करते हैं इस्लामिक पेनल कोड जहाँ पे पनिशमेंट्स आ जाती हैं और सीरियस बड़े बड़े इंटरनेशनल मसाइल आ जाते हैं वहाँ पे हमारे शरीयत ने ज़्यादा प्रिंसिपल्स हमें दिए हैं वहाँ पे हमारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंटीग्रटीज़ के अंदर नहीं देखा लेकिन जहाँ पर आ जाती है ना अखलाकियात बेसिक लेवल के मॉरल आ जाते हैं जा जाते है, बड़े से बात किस तरह करनी है बैठना किस तरह खाना किस तरह प्रेजेंट करना है छोटी छोटी चीज़ें जिनको शायद किसी भी माशरे के अंदर इतना इंपॉर्टेंस नहीं समझा जाएगा हमारे माशरे के अंदर हमारी अहदीस की किताबों में ज़्यादा मॉरल चीज़ें वो हैं इतनी इंटीग्रिटीज़ में मिसाल के तौर पर एक सहाबी ने बल्कि वो सलमान फ़ारसी से एक सहाबी जो सलमान फ़ारसी हैं उनसे लोगों ने कहा ना कि मकुम नबी यकुमक लशीन हत अलखरा Hmm. तुम्हारे नबी ने तो तुम्हें यहाँ तक इवन हाउ टू डेफिकेट यानी बाथरूम कैसे yes. जाना पेशाब कैसे करना वो भी तुम्हारे नबी ने सिखाया तो ना बला हमारे नबी ने हमें यह सिखाया कि जब hmm. हम बाथरूम के अंदर बैठे hmm. तो हमारा हमारी पीठ और हमारा चेहरा किबले की तरफ नहीं होना चाहिए hmm. तो कहने का मतलब ये है कि हमारे दीन ने हमें कुछ दिया लेकिन इसके साथ साथ हमारे दीन ने हमें कुछ प्रिंसिपल्स भी दिए क्योंकि ऑब्वियसली हमारे दीन की सबसे बड़ी एक खास बात जो है वो यूनिवर्सैलिटी है कि दुनिया का कोई ऐसा बंदा जो किसी भी कल्चर से बिलोंग करता हो हुँ, किसी हुँ, भी सोसाइटी से उठ के आया हो दीन उसको इंक्लूड करता है एक इंक्लूसिव अप्रोच है यानी ये नहीं कि वो आके माइनॉरिटी बन जाता है वो एक एक्सक्लूजन बन जाता है नहीं

अल्लाह के रसूल सल अल्ला वसलम ने मॉरल मॉरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाया मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ आपको शायद पता होगा वर्ल्ड वॉर वन के बाद नाइनटीन ट्वेंटी टू नाइनटीन थर्टी थ्री अमेरिका के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया जा किया गया था जिसके अंदर जिस नोबल एक्सपेरिमेंट ये बेसिकली इसमें शराब को बैन किया गया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो है बहुत से जो ट्रूप जो सोल्जर्स थे वो बहुत ज़्यादा यानी अल्कोहल कंजम्पशन और इन चीज़ों की तरफ चले गए थे तो उस सोशल वाइस को ख़त्म करने के लिए उन्होंने तेरह साल तेरह साल दी स्ट्रगल उन्होंने उसके बैंस लगाए टैक्सीज लगाए बड़ा कुछ किया थर्टीन ईयर्स के बाद ये के बाद उन्होंने क्या किया कि उस बैन को रिमूव कर दिया इसलिए क्योंकि मसला हल हो गया था नहीं hmm. इसलिए क्योंकि दे फेल्ड मिजरेबल फेलियर क्यों वो, 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 वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ गया बल्कि ऑर्गेनाइज क्राइम ऑर्गेनाइज हो गया बहुत ज्यादा और उन्होंने कहा कि मल्टीपल टाइम्स वो जो है ना वो क्राइम बढ़ गया तो उन्होंने कहा हमारे पास इसकी सोल्यूशन नहीं है आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिक्सटीन ईयर्स में यानी की राय के मुताबिक थर्टीन ईयर्स आप मक्का में रहे और उसके बाद तीन इयर्स जो जंगद के बाद शराब का हुक्म आया था सही। जब शराब का हुक्म आया तो साहबा कहते हैं सही मुस्लिम के बीच से कि हमने खुद देखा कि मदीना के अंदर जो है वो नहरें बह रही थी ख़मर की अल्कोहल की और साहबा ने यहाँ तक कि वो बर्तन भी तोड़ दिए जिनके अंदर शराब सर्व की जाती थी यानी नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट सक्सेस रेट है मॉरल यानी आपसे मॉरल अचीवमेंट्स का आप मुझे मसला करके दिखाएं हल करके दिखाएं मसला यह कि देखिए इसके पीछे एक ना बेसिक एजम्पन है मॉरल रिलेटिविज्म के पीछे एक मॉरल नॉट वॉन एक बेसिक एक एजम्पन ये है कि इंसान को पता है क्या चीज़ उसके लिए सही है और क्या चीज़ गलत है सही ये शरीयत इसको ये अल्लाह ताला इस पॉइंट को क्वेश्चन hmm. करते हैं इट इज वेरी मच पॉसिबल कि इंसान गलत चीज से इत्तेफाक हो शय अनफा व खैर लकुम व असा मुमकिन है तुम hmm. कोई चीज अपने लिए अच्छी समझ रहे हो तुम्हारी बुरी हो एंड वाइस वर्सा और अल्लाह कहते हैं कंक्लूड क्या करते हैं आयत को अल्लाह कहते हैं वालाम अल्लाह जानते तुम नहीं जानते आपको पता है कि हम आज भी बहुत एक मिसाल देते होते हैं ये सेक्स एंड कल्चर की हुँ. जो जे डी एन की एक एक बंदा है उसने अराउंड सिक्स सिविलाइजेशन को स्टडी किया और ओवर द पीरियड ऑफ फाइव थाउजेंड ईयर्स फाइव थाउजेंड ईयर्स ओवर द पीरियड ऑफ फाइव थाउजेंड ईर्स सिक्स सिविलाइजेशन को जो है ना उसने स्टडी किया और उनकी तबाही की जो है ना रीज़न बताई एंड हिज रिसर्च कंक्लूडेड कि ये सिक्स सिविलाइजेशन दुनिया के अंदर पैरिश कर गई उसकी बुनियादी वजह ये थी सही यानी फहाशी और यानी अच्छा आज मैं ये कहता हूं कि अगर दो लड़का लड़की कंसेंट कंसेंचुअली आपस में एक रिलेशनशिप कायम कर रहे हैं मसला क्या आ रहा है इसमें क्या मॉरल प्रॉब्लम है भाई ठीक है आप इंसेस को निकाल लो क्योंकि इमोशंस आपकी वो इमोशनली ये चीज़ अपील नहीं करती आपको चले ठीक है इमोशनल बेसिस पे आप उसको निकाल दो एक लड़का लड़की आपस में रह रहे है क्या मसला है सही। आपकी छह सिविलाईजेशन तबाह हो गई खत्म हो गई आज जाके पता चल रहा है कि जी ये मसला था तो क्या आप चाहते है? है हैं अल्लाह कहते तो हैं कि तूने टेस्ट कर इंसान तो टेस्ट करके देख एक ले, मेरे मोरल लोरल मैंने और ये वो मोरल स्टैंडर्ड है जो आदम से लेके अब तक है हैजरत आदम अली सलाम के जो मॉरल देखें इस्लाम के अंदर ना हर दीन हर रिलीजन के अंदर सॉरी बात में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हूँ हर नबी ने कुछ ना कुछ अहकाम डिफरेंट भी दिए Hmm. यानी बुनियादी एक होता था लेकिन मॉरल स्टैंडर्ड्स किसी नबी के डिफरेंट नहीं थे थे सारों के एक यानी हज़रत आदम अली की अगर आप कहानी पढ़ते हैं और इवन हजरत नबी सल और आजकल की जो हमें स्टैंडर्ड दिए कोई फर्क नहीं आता लगता है एग्जैक्टली वही पर्दे के मॉल्स वही हया का concept, exactly hmm. 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 ये कंसिस्टेंसी है जो कि जब से इंसानियत बनी अब तक अल्लाह ताला ने इस सिस्टम को चलाया है एंड एंड इट इट फ्रूट्स तो इस तरह का कमाल सिस्टम आप लेके आओ अगर आप समझते हैं कि जी हम एक कलेक्टिव कॉन्शियस के थ्रू एक एक अल्टरनेटिव सिस्टम लेके अंदर ले आओ टेस्ट करके दिखाओ हमें चौदह सौ साल या एक सौ साल, साल के अंदर भी कामयाब हो गया तो बात exactly. करेंगे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इसके यूएन जो है फॉर ये यही एक्सपेरिमेंट है यूनिवर्सल कोड या यूनिवर्सलिज्म का एक फ़र्ज़ करें अगर फॉर एक्जाम्पल यूनिवर्सलिज़म ट्रू होता ठीक है यानी कि हमारे पास ये एक किस्म का एक बैक एंड पे एक ऐसी मॉरेटी है क्लैक्टिव ह्यूमन कॉन्शियस और तो फिर वो स्टैंडर्डाइज हो जाना चाहिए था सबसे पहले पहली बात है और अगर स्टैंडर्डाइज है कोई ऐसी चीज़ है जो कि एक्चुअली यूनिवर्सलिज्म के थ्रू ये ये कोड हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो सेम है तो उनकी लिस्ट Uh, जो है वो उस पर सब को यूनिफाई होना चाहिए hmm. होना चाहिए था लेकिन hmm. ऐसा नहीं है hmm. अब मैं एक मिसाल देता हूँ यू एन के अंदर ही ना वन ऑफ द बिगिनिंग प्रिंसिपल जो है ना वो ये है कि लाइफ इज़ वैल्यूएबल ठीक है लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर इस पर ये भी मॉरल रियलिटीज़म के थ्रू तो टूट जाती है क्योंकि रोमन एरा में लाइफ वर्स वैल्यूएबल सही hmm. वो बाकायदा फॉर एग्जांपल उसको कंसीडर ही नहीं करते थे कि लाइफ वाज वैल्यूबल अगर उनके कोई फॉर एग्जांपल उन्होंने अच्छा उनके यहाँ पोस्ट बर्थ अबॉर्शन होती थी ठीक है hmm. बच्चा अगर hmm. नहीं ना चाहिए ना उसे एक क्या कहते हैं मट्टी के बर्तन के अंदर डाल के बंद करके उसकी ऑक्सीजन बन के घर के बाहर देते थे ठीक hmm. है ना और इस मतलब ये पुराने जमाने की बोर्शन ये होती थी ठीक है हुँ, और आज आगे जब क्रिश्चियनिटी ने टेक ओवर किया ठीक है, है ना फिर उनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट आया लाइफ इज वैल्यूबल और वो फिर इन्होंने अपना हिस्सा बनाया यानी वेस्ट ने जितने जिसको भी वो वो भी नहीं हाँ अब ये देखिए पहली बात ये कि देखें ना अगर आप क्या कर सकते हैं अपने टॉप ऑफ द माइंड के हाँ लाइफ इज वैल्यूबल ये ऐसा प्रिंसिपल हो सकता है जिसपे किसी को इख्लाफ नहीं होगा नहीं इसको भी ऊपर भी इखिलाफ रहा और ये भी इन्होंने रिलीजन से लिया और वो भी अगर इसको किया हुआ वो भी रिलीजन से लिया हुआ लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं ना मैं जाता हूँ इस पर आप तीनों तबसरा करें यहाँ पे वो कहते हैं कि देखें जी हमारी एक एफर्ट है जो है हमने तो मान लिया वो चीज़ गलत थी अब हमने उसको करेक्ट कर लिया लेकिन आप लोग मानने के लिए भी तैयार नहीं होते आप लोग जैसे मिसालें देते हैं कि जी अरब बच्चियों को दफनाते थे वो भी तो एक नॉर्म था तो मॉरल रिलेटिवज़म के मुताबिक वो भी तो ठीक होना चाहिए वो कहते नहीं ये तो बेसिक ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है अक़ल के खिलाफ है, है इसलिए ये तो गलत है ही लेकिन मिसाल के तौर पे दो टू मैन दे लव ईच अदर एंड यू नो दे वांट टू गेट मैरिड इसमें क्या सोसाइटी को क्या नुकसान हो रहा है इसमें क्या एविडेंट ऐसा नुकसान है कि आप यहाँ भी तलवारें लेकर आ जाते हो और कहते अच्छा ये बैन होगा ये सब कुछ ख़त्म करो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कॉमन चीज़ है अच्छा मैं बताएँ कि अगर ये चीज़ें जो मॉरल है इन्होंने ह्यूमैनिटी एक पूरे टाइम से गुजरी और वो अब एक इतने एपिटोम पे पहुंच गई है कि हम पहले गलत थे नाउ वी आर गुड ठीक है ना अब ये हमारे मोरल्स हैं हुँ. क्या उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है कभी ठीक है ना हुँ. ये मॉरल ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल उन्होंने अब मार खा ले के लेके हैं so, दरअसल ये सेम मॉरल हैं जो पहले रोमन एम्पायर में भी अटेस्ट हो चुके हैं उससे पहले ग्रीक में भी ऊपर पुरानी वाली जो पर्जियन है ना, हुँ, हुँ, उसके अंदर भी और वो वो सोसाइटी वही जो सिख सिविलाइजेशन civilization. जो डिस्ट्रॉय <laughs> हुई हैं उन सब में ये सेम मॉरल जिनको वो कह रहे थे ना कि हमने वो जी सीख के चेंज कर लिए हैं अब नाउ वी वो दीज अगर आप गो इफ यू बैक दे आर द सेम कैसर भाई हुँ. अब जैसे ये आर्गमेंट है एल जी बी टी क्यू का आर्गमेंट है इस पर काउंटर आर्गूमेंट हम ये देते हैं कि अच्छा कल को कोई उठे और कहे जी कि मैंने डेड बॉडीज़ के साथ जो है ना वो करना है ये मामला तो क्या आप उसको भी इजाज़त देंगे वो कहते हैं नहीं बिकॉज दैट इज़ यू नो बड़ा एक uh, ऐसी चीज़ है जो नफ़रत और ऐसा नफरत दिलाने वाली चीज़ है या कह लें कि सोसाइटी के लिए एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव है वो चीज़ और नो वन इज़ गोइंग टू अप्रूव दैट कि आप लाश के साथ जाके जो ना वो बदअमली करो लेकिन वो कहते हैं कि ये आपने एग्ज़ाम्पल बड़ी एक्सट्रीम दी है हम आपको कह रहे हैं कि देखें दो मर्द या दो औरतें वो रह रहे हैं खुशी से रह रहे हैं अपने कंसेंट से रह रहे हैं यहाँ पे कैसे आप दूसरी मिसाल को ला सकते हैं कि इंसेस्ट अब वो ओवरऑल दुनिया में नापसंद ही की जाती है लेकिन ये चीज ओवरऑल दुनिया में फरोख पा रही है तो बड़ा डिफरेंस है इन दो चीज़ों में। वो पहले तो मुझे सुनके बड़ी खुशी हुई कभी अलाउ नहीं करेगी लेकिन हम क्या कहते हैं ये तो कहते हैं ना कि सोसाइटी को आप अलाउ करें उसको ये हक दें कि वो डिसाइड करे क्या अलाउड होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए दैट अगर आपका ये आर्ग्यूमेंट है कि अगर दो मर्द इकट्ठे रह रहे हैं दो औरतें इकट्ठी रह रही हैं तो फिर यहीं पे मॉरल रिलेटिविज्म को हम क्यों रोकते हैं आगे मैंने कोकेन की एग्जांपल दी है उसमें तो दो मर्द होते भी नहीं हैं आप किसी अकेले को इजाजत देते अपने घर के अंदर बैठ के इजाजत नहीं देते नहीं वो कहते ना इसके तो एविडेंट नुकसान है ना कोकेन के या वो जो नुकसान होमोसेक्सुअलिटी का सिर्फ थर्टी सेवन थर्टी सेवन टाइम ज्यादा से तो सिर्फ एनल कैंसर का चांस उस, उस ज़्यादा होता है हुँ, 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 हुँ. अमेरिका में इस वक्त अराउंड फाइव हंड्रेड थाउजेंड के लगभग लोग ऐसे हैं कि जो जिंदगी मौत की स्ट्रगल में जिनमें से एक लाख वो हैं जो एक्चुअली होमोसेक्चुअल हैं और उसकी उनकी वजह होमोसेक्चुअलिटी है कि बाकी लोगों से ज़्यादा वो जो जान के रिस्क पे हैं मरने के रिस्क पे हैं उसकी वजह उनकी ये प्रैक्टिस है हुँ, अगर हुँ, ये आर्गुमेंट है तो फिर तो मुकम्मल तौर ये बैन होनी चाहिए फिर तो अगर हार्म प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अप्लाई करें फिर तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती लेकिन देखें अगेन इसको थोड़ा बेसिक लेवल पर हम लेके चलते हैं कि एग्जाम्पल्स पर तो हम उस वक्त आएंगे जब हम एक आ जाएंगे एम पे आ जाएंगे स्टेलमेट पर आ जाएंगे मुझसे एक साहब ने सवाल पूछा और उनका भी आर्गूमेंट था कि जो ये सब्जेक्टिव होती है रिलेटिव होती है द क्वेश्चन वॉज जो मैंने पहले सुना था लेकिन उन्होंने इसको अपने तरीके से बड़े अच्छे तरीके से सुना कि अगर आप ट्रेन ड्राइवर हैं और ट्रेन जो है ब्रेक फेल हो गई है सिर्फ आगे दो ही आपके पास ऑप्शन हैं जैसे वो वाई होता है ना जंक्शन के आप इधर लेफ्ट जा सकते हैं राइट जा सकते हैं ट्रॉली प्रॉब्लम तो, Uh, नहीं वो ट्रेन का मुझे मेगा ट्रेन वेरी गुड क्वेश्चन तो एक तरफ छः लोग हैं एक तरफ एक हैं hmm. आप रोक भी नहीं सकते hmm. आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि अगर लेफ्ट जाएँ राइट जाएँ वट वुड यू डू छः लोगों को मारेंगे एक hmm. 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 को मारेंगे मैं इनका कोई कंसेशन मिल सकती है नहीं हो सकता क्या करेंगे इट्स वेरी हार्ड वन इवेंचुअली क्वेश्चन को आगे लेके जाने के लिए सर ओके फाइन ऑल चूज़ वन ओवर सिक्स अगर कोई और ऑप्शन नहीं है ना कोई और ऑप्शन नहीं है ओके डिफिकल्ट वन बट डिफिकल्टन पर एक वन ओवर सिक्स मैं लेफ्ट में ले जाऊँगा कि एक आदमी जो है उसकी जान जरिए की बच जाए एंड देन मनी गर्ल्स वो जो लेफ्ट पे एक बैठा हुआ है अगर वो आपका बेटा हो तो फिर हार्ड वन एंड इवन थोड़ा सा हार्ड और बना वो हार्ड लूँगा मैं बनाता होता हूँ क्योंकि मैंने भी एग्जाम्पल कोट करता हूँ तो इस तरह के फॉर एग्जाम्पल एक तरफ साइंटिस्ट है और एक तरफ जो है ना स्लम्स के पांच छह लोग हैं yeah. <laughs> society, yeah. और एक लोग है, ये हजार लोग है, yeah. जो के हैं वैल्यू <laughs> इंपॉर्टेंट <laughs> है, कि मैं, yeah. है, ये है। <laughs> लेकिन ये तो एक्सेप्शनल मिसाल है ना अगर चलें इस मिसाल को हम ले भी थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं मैंने पूछा क्या करेंगे बेटे को बचाऊंगा hmm. hmm. रूल चेंज हो गया है hmm. मेरा बेटा hmm. है उस तरफ तो ये सब्जेक्टिव है hmm. ये फॉर मैं अपने बेटे को बचाने के लिए छे लोगों को जान ले लूंगा so बड़ी अच्छी बात आपने की है पर नाओ मेरी बारी सवाल करने की छः लोगों की जान लेने के बाद अपने बेटे को बचाने के बाद रात को जब सोएंगे तो खुद को आप क्या दलील दे रहे होंगे कम मैं कहूँगा कि देखो मेरा बेटा था मैं कहूँगा कि दूसरी तरफ रिलेशन होता है एंड एंड माई क्वेश्चन वॉज कि आखिरकार वो

बुरा क्यों फील हो रहा है छह लोगों की जान लेने पे hmm. आपको तो खुश होना चाहिए बात खत्म हो गई ना बट ऊपर से अगर बच्चा बड़ा हो के एड ऑफ फिल्टर बन जाए <laughs> ये ना ये कायदा इस चीज को उन्होंने अच्छा होता ये मतलब क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को escape करने के लिए और इस तरह की चीजों को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ना वो एक थ्योरी का नाम दे देते हैं एक्चुअली बकायदा एक एथिक्स की चार डोमिनेंट थ्योरीज हैं उनके अंदर एक थ्योरी है जिसको कहते है, care ethics. Hmm. वो कहते हैं हैं वो ये एक फलसफा hmm. है तो hmm. <laughs> so, अगर आप एक फिलोसफी के ऊपर खड़े ना no, hmm. भी है लेकिन ग्राउंडिंग है तो बकायदा केयर एथिक्स के नाम से ना कि जहाँ पे आपकी यानी और लिटरली एग्जांपल्स इसी तरह की दी जाती हैं अच्छा देखें एक आर्गूमेंट आता है कि देखें आ, इस्लाम में भी तो एब्रोगेशन का प्रिंसिपल है एक चीज़ एक फ़लाँ वक्त पर जो है ना वो हलाल होती है फिर उसके बाद अचानक वो कम आ जाता है यह हराम है जैसे एक बड़ी मशहूर मिसाल दी जाती है कि देखें आदम इस्लाम के जो है ना वो दौर में बहन भाइयों की आपस में शादी होती थी इस पे कुछ लिटरेचर भी कोट किया जाता है इस्लामिक बट लेटर ऑन उसको एब्रोगेट कर दिया गया और जाहिर है कि उसको चेंज कर दिया गया तो आपके भी तो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है और इसी तरह एब्रोगेशन जो है पूरा एक वो साइंस है यानी जैसे शराब है वो कुई कुई किसी दौर में नहीं थी हराम लेकिन उसके बाद जो है वो हराम कर दी गई ये मिसाल दी जाती कि ये भी तो फिर देखें ना रेलिटिव हो गई बात या ट्रू रेलिटिव हो गई लेकिन रेलेटिव uh, उम्मत के हवाले से होगी ठीक है आप ये कह सकते हैं कि मुसलमानों में ये चीज़ चेंज हुई लेकिन आप जब मुसलमानों के अंदर कोई चीज़ चेंज हुई है तो आप मुसलमानों से पूछेंगे कि ये चेंज का मेकनिज़म क्या है एक चीज़ मैं ज़िमन नर्ज़ कर दूँ कि हमारी जो इस्लामिक पेस्टोमोजी है यानी कि जो कुरान है और हदीसी मरफूह है उसमें तो ये बात आदमी इस्लाम के बच्चों की शादियों वाली हमें नहीं मिलती है इसके अलावा जो महकिया है उनका काम है लेकिन फिर ये मामला जो है रिसर्च का रह जाता है तहकीक का रह जाता है शरीय का नहीं रहता सो दैट इट सेल्फ इज इज़ अ थिंग लोग कहते हैं वो आदमी इस्लाम के बच्चों की शादियाँ पर सही ही मिनट के ठीक है हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि उनके बच्चों की शादियाँ होती थी या नहीं होती थी कुरान में जिक्र नहीं हदीस में नहीं है हदीस मरफू में लेकिन फॉर मिनट मान लेते हैं कि हाँ होती थी तो भाई हमारा तो ये आर्गूमेंट नहीं है कि हम रोज अपना माइंड चेंज कर लेते हैं हम ये कहते हैं कि अगर होती थी तो अल्लाह के हुकम से होती थी, सोर्स ऑफ सोर्सेशन जब हुँ। रुकी हैं तो उसी अल्लाह ने रोकी हैं। जब एक आदमी के निकाह में दो बहनें हो सकती थी तो उसी अल्लाह के हुकम से होती हो गया तो, तो हम तो कभी क्लेम ही नहीं कर रहे हैं की हमारी अच्छाई और बुराई का माखज ही अल्लाह है ठीक है ना जब आपकी अच्छाई और बुराई का माखज़ ही अल्लाह ताला होगा तो ये प्रॉब्लम फिर आती ही नहीं है वहाँ ठीक है हुँ, हुँ. और हमारे बच्चों में भी दरअसल ये जो आ, मसला फैलने की वजह भी ये है कि हम उन्हें ये तो बता देते हैं कि मतलब राइट एंड रॉन्ग लेकिन उनको हमें ये भी बताना चाहिए कि हमारी अच्छाई और बुराई का औरिजिनेटर भी अल्लाह तला है ठीक hmm. है कि व्हाट वी कंसीडर गुड एंड व्हाट वी कंसीडर बैड इज आल्सो फ्रॉम गॉड और ये भी मंशा हुआ तो जिल्ल मंशा भी यदि हाँ. कल खैर hmm. और इसी इसी बेसिस पे ये होता है कि मतलब एनीथिंग दैट कैन बी रिप्रेhensible और हार्मफुल कैन बी लिफ्ट अप बाय हिम एज़ वेल क्योंकि ही इज द क्रिएटर ऑफ हार्म एंड ऑफ गुड तो ये चीज अलीभी मैं यहां पे एक छोटा सा ऐड करूंगा इस चीज को क्लेरिफाई करने के लिए कि देखें ये जो है ना ये आर्ग्यूमेंट हम ऑब्वियसली हम भी यूज़ कर रहे हैं और ये पोलिमिक्स के अंदर यूज़ भी होता है बहुत ज़्यादा कि इस चीज़ के लिए नुकसान है और इस चीज़ का फ़ायदा है तो ज़ाहिर है जो चीज़ें अल्लाह ताला ने बयान की हैं वो उसमें फ़ायदा मंद हैं और जो चीज़ें जिन चीज़ों से अल्लाह ने रोका है तो उसका नुकसान है लेकिन हमारा प्राइमरी आर्ग्यूमेंट ये नहीं है मैं आपको बता दूँ हमारा कभी भी अगर आप मॉरल हमारी फ़िलासफ़ी के ऊपर बात करेंगे तो हमारा प्राइमरी आर्ग्यूमेंट ये नहीं है ये हार्म प्रिंसिपल है जो हम नहीं इसको फॉलो करते ये तो हार्म प्रिंसिपल वेस्ट का है यानी ओब्वियसली हैव द सम सम मॉरल एंकर टू डिसाइड क्या चीज राइट और क्या रॉन्ग है और वो उसके लिए एक उनके पास मॉरल uh, ये नहीं सॉरी uh, मॉरलॉरी प्रिंसिपल की है। हमारा प्राइमरी आर्ग्यूमेंट ये है कि एक चीज गलत इसलिए है क्योंकि अल्लाह ने उसको गलत कहा सही बेशक वो फायदेमंद हो या नुकसान हो हाँ ऑल दो हमारा बिलीफ है जैसे इमाम ने नकैम कहते हैं कि अल्लाह के तमाम अहकाम के अंदर खैर है और अल्लाह तौल ने जिन चीज़ों से रोका अल्टीमेटली वो इंसान के लिए नुकसान दे है अच्छा वो नुकसान इन मटीरियल भी हो सकता है स्परिचुअल भी हो सकता है यानी हो सकता है उस नुकसान को आप शायद यानी दिखा ना सकें आ, आ, जैसे मिसाल के तौर पर हो सकता है आप उसको ना यानी क्वान्टिफाई ना कर सकें लेकिन रियालिटी के अंदर हो सकता है आपका ईमान जा रहा हो अब वो उस ईमान के लिए वो वो अल्लाह के लिए बहुत बड़ी बात है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है तो मैं सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जब हम ये बातें करते हैं कि जी मिसाल के तौर पर होमोसेक्शुअलिटी की बात कर दी कि इसमें प्रॉब्लम क्या है इसमें नुकसान क्या है हुँ, हुँ. ये हमारा स्टैंडर्ड है ही नहीं जज करने का हमारा स्टैंडर्ड है अल्लाह ने मना कर दी है हुँ. उसमें अगर चाहे इवन फ़ायदा भी हो रहा हो बज़ाहिर आपको फ़ायदा नजर आ रहा है उसके बावजूद अल्लाह ताला उसको गलत कहते हैं तो वो गलत है एक तो बात मैंने ये करनी थी दूसरी बात जो कैसर भाई ने की ना ये बात दुरुस्त है कि हजरत आदम आदमी सलातम के बारे में ये बात मारू है और ये इनकी बात दुरुस्त है कि मरफू हदीस के अंदर कोई हमें ऐसी हदीस नहीं मिलती जिसमें अल्लाह के रसूल ने डायरेक्टली कहा हो कि जो है वो <coughs> कि हजरत आदम आदमी सलातम के आपस में बच्चों की शादियाँ होती थी हजरत बिन अब्बास सदी अल्लाह तुमा की यह राय है और बिन अब्बास अब्दुल्लाबिन अब्बासन मरूफ़ थे अहले किताब में से अहले किताब से कोट करने के लिए और इसको एक्सेप्ट इसलिए किया क्योंकि ये एक इट इट मेड बिट सेंस वाई इट मेड सेंस क्योंकि ऑब्वियसली ये सवाल था कि हज़रत आदम आ सलातम अगर मेन फादर हैं तो आगे कैसे वो चलेगी नस्ल कैसे चलेगी hmm. तो ऑबियसली कोई यानी अब वो ऑटोमेटिकली विदाउट शादी या विदाउट मैरिज वो नस्ल चल रही थी तो हो सकता है अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है अल्लाह ताली भी चला सकते हैं लेकिन ज़्यादा चीज़ सेंस सी बनती है और इसी चीज़ को मारूफ मरूफ़ल ने भी जिक्र किया कि वो आ, दो बहन भाई इकट्ठे पैदा होते थे एक जोड़ा होता था तो वहाँ पर भी थोड़ी डिफ्रेंशिएशन होती थी कि एक ही जो जोड़ा होता था एक ट्वेंड होते थे दे कुड नॉट मैरी ईच अदर लेकिन वो अपोज़िट जो दूसरा पेयर पैदा होता था उसके अंदर से वो उसको शादी करते थे और ये मुफसरी ने बयान की बहरमा ने इसको कबूल किया तो हम इस पर क्वेश्चन नहीं करते लेकिन मैं सिर्फ ये बात करता हूँ कि अल्टीमेटली ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें तब इंसान इनको यानी इंसान के लिए तब प्रॉब्लमेटिक होती हैं जब इंसान इन चीज़ों को यानी उस जो हमारी फ़िलासफ़ी है उसको अगर आप निकाल दें तो हाँ फिर ये प्रॉब्लमेटिक बनती हैं चीज़ें कि जी क्यों है लेकिन जब आप हमारे एंगल से देखते हैं और एक हमारा स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है वो डिसाइड कर रहा है राइट और रॉन्ग का वो खैर भी डाल रहा है और वो खैर निकाल भी रहा है जैसे अल्लाह कहना बेदी कल खैर अल्लाह खैर डाल देते हैं खैर निकाल भी लेते हैं जब अल्लाह ने डाल दिया तो हमारे लिए ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक है ना आसान तरीन बात यह है ना कि अल्लाह ने कहा एक्स कहते हैं अल्लाह ने कहा वाई mm -hmm. हम कहते हैं वाई, so even though X is different than y, लेकिन जो पीछे लो -गिवर है, वो एक ही है बट योर प्रॉब्लम शराब जायज़ मॉरल आदमी की अपनी मर्जी है हमारी एग्जीक्यूशन चेंज हो जाती है लेकिन जो एग्जीक्यूटर है पीछे वही एक ही है

अगर आप सिर्फ स्टैट्स लेना कत्लों के वॉर्स के ठीक है ना तो वहाँ ये बात फिट नहीं बैठती नहीं वो कहते हैं पुरानी बातें हैं वो कहते हैं हमने तो वो भी अब ओवरकम ऑल दो एक्टिव वॉरफेयर रेसिज्म की मिसाल देंगे और कहेंगे नहीं देखे हमने तो ओबामा को प्रेसिडेंट बना दिया अच्छा अब ओबामा को प्रेसिडेंट बना दिया अभी देखे जैसे इलॉन मस्क ने ट्विटर या बिजनेस इंसाइडर की रिपोर्ट आई थी कि द यूज ऑफ एन वर्ड इंक्रीज बाई फाइव हंड्रेड जैसे उसने जैसे उसने कहा कि जी लिमिट्स ऑफ मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव एन एग्जाम्पल कि दिस इज अ फसा ठीक है हुँ, ना uh, कि मतलब यानी वहां पर टॉलरेंस ज्यादा ये ना वो, वो टॉलरेंस जो है इसका फसाद है ठीक है एक्चुअली में वहाँ पर रेसिज्म मर्डर ये वो सारी चीजें प्रसिस्टेंट है और फिर ओरिएंट जो ईस्ट है उसके खिलाफ वॉरफेयर और इम्पीरियल ये सारी एग्जांपल हम अभी ये सारी जो दे रहे हैं ये की इराक वॉर वॉर गल्फ आपकी सारी पुरानी हिस्ट्री नहीं है ये आपके पास ओवर एटी एक्टिव वॉर वॉर्स हैं ठीक hmm, है एंड व्हाट व्हाट दे सिग्निफाई एंड नॉट नॉट फ्रॉम आवर साइड बाय यानी जब से लिबरलिज्म एक्टिव हुआ जितना फसाद यानी हम कह रहे थे जब मैजॉरिटी थी हम, उस वक्त तो जंगें होती थी लेकिन वो जंग और आज की जंग हो पूरी दुनिया पूरा ग्लोब The whole globe hmm. is actually suffering from war, subhanallah. History of मतलब यानी ये multiple economic अगर, warfare इंसानियत की history भी देख लेना ये warfare पता नहीं ये नहीं multiple मैं समझता हूँ कि ना कि tolerance नजर भी आ रही है ना वो strict rules की वजह से जैसे ही आपने वो रूल्स रिमूव किए ना देन सी के वहाँ पे क्यूज जो है वो कैसा मच अच्छा एक और मैं आपको बात बताता हूँ हमारा ही जो सोसाइटी है ना वो फर्स्ट है कि हमारे ओरिजिनल प्रिंसिपल्स की बेसिस पे हमारे टॉलरेंस के रूल सेट हुए हैं जैसे मदीना चार्टर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बाई स्टैंडर्ड शुरू से ही हमने दूसरी सोसाइटीज़ के लिए टॉलरे टॉलरेंस का

इस बंदे ने जिम्मी को कतल किया हुँ। जिम्मी को जो मुसलमानों के जो है ना वो टेरिटरी के अंदर एक नॉन मुस्लिम रह रहा है माइनॉरिटी जिसे कहते हैं आपने फरमाया जिसने उसको नाक कतल किया लम जन्नत की कभी खुशबू भी नहीं मिल सकती और आपने फरमाया कि जन्नत की खुशबू इतनी इतनी मुसाफत पे सूगी जा सकती है इमेजिन करें कि ये लेवल नबी सर एक नॉन मुस्लिम के बारे में दे रहे हैं यानी कहाँ पे स्टैंडर्ड है हम देखें दुनिया में कभी भी किसी फिलोसफी को हंड्रेड अप्लाई नहीं किया जाता उसकी एक स्टार्ट होता है कुछ लोग होते हैं एक आइडियल

करेक्ट नहीं एप्लीकेशन लॉ हाँ। में हमारे यहाँ भी ड्रॉबैक्स हैं इसमें कोई इसको वो नहीं है हाँ। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड जो है वो हम ऑलरेडी बताता है कि दिस इज मॉरली रॉन्ग ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग टू डू दैट हाँ। और सेकेंडली एक मैं बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ लोग ना दरअसल कंफ्लिक करते हैं दो चीज़ों को रिस्पेक्टिंग अदर रिलीजन एंड टॉलोरेटिंग अदर रिलीजन ठीक है ना ये बहुत फ़र्क है वो कहते हैं कि नो मतलब हमारी आइडियल को रिस्पेक्ट भी करें ठीक है ना? ना लिबरल स्पेशली जो कहते हैं जी उनको रिस्पेक्ट करें उनको ये करें, नहीं हम, हम गलत हो कैसे हम कोफर को, तो को कभी तो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे ठीक तो है ना वर्ड टॉलरेंट टॉलरेंस इंप्लाइज के यू आर बीइंग

कि एक इस्लामिक सिस्टम है ना जैसे कि पाकिस्तान में शरिया नाफ़ुज होती थी सही यू नो वेरी क्लियरली सूद ख़त्म हो जाएगा mm. ये जो यूनिवर्सिटीज़ mm. में जो हो आरामकियाँ कराई mm. जा रही हैं ये mm. ख़त्म हो जाएंगी सो वेरी क्लियर आइडिया क्या होगा कहीं क्रिश्चियनिटी आ जाती है अभी क्लियर आइडिया क्या हो जाता है कॉमनिज़म mm. आ जाएगा या mm. लोगों का कतलो खून होगा जो करते हैं आमतौर पर क्लियर पता है सब वो क्या होगा हाब आउट अ प्योर खालस मॉरल रिलेटिवज़म वाले लिबरल्स की हुकूमत सो दे कम इन द पावर एंड गवर्नमेंट hmm. <laughs> kind of <laughs> <laughs> में इसलिए गए हैं आप जो मर्जी करें गवर्नमेंट में क्यों आए हैं फिर रेगुलेशन है फिर, फिर, <laughs> 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 फिर गवर्नमेंट का कोई फायदा नहीं अथॉरिटी का कोई फायदा yeah. नहीं एग्जैक्टली exactly. <laughs> मैं चाहता हूँ कि असर भाई क्विकली हम सब ये डिस्कस करें कि इसकी तबाह का क्या यानी ऐसी आई ओपनिंग चीज़ें <coughs> yeah. कि लोगों को बड़ा एक अच्छा मैसेज आए कि ये फिर इसकी तबाह कह देख लो अगर तुमने ख्वाहिशात को ही फॉलो करना है तो दिस इज़ द रिज़ल्ट तो वट डू यू थिंक देखें एक <coughs> स्नो बॉल इफेक्ट है ना कि जैसे पहाड़ की चोटी पे बर्फ का गोला बड़ा छोटा सा होता है बट एज इट कम्स डाउन इट बिकम्स बिगर And faster. Hmm. ये जितनी भी आइडियोलॉजीज़ हैं ये स्नो बॉल इफेक्ट्स के ज़रिए बड़ी अच्छे तरीके से समझी जा सकती हैं सो लेट पुट ऑल ऑफ देम टुगेदर सो दर इज़ अ मॉरल रिलेटिविज़म देर इज मटीरियल कि मुझे जो अच्छा लगता है वो मैंने वही करना है मुझे सोसाइटी ने बता दिया है अब नई सोसाइटी ने कि सक्सेस क्या होती है hmm. क्या होती है तीस साल पैंतीस साल की उम्र से पहले तुम्हारा अपना घर होना चाहिए गाड़ी होनी चाहिए साल में एक दो दफा छुट्टियों पे जा सको, ये सारे का सारा दिस इज एन एवर वो मेरा पैसा है, मैं जो मर्जी करूँ mm -hmm. मैं जुआ खेलूँ, मैं जो फाइन ओके प्रॉब्लम विद दिस इज कि जो इंसान की नेचर है कि उसने ग्रुप्स में रहना है सोसाइटी में रहना है कलेक्टिविज्म के तहत रहना है वो सारे का सारा ख़त्म हो गया अब आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं जब आप सेल्फ सेंटर्ड होते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान आपको ये होता है कि आप सोसाइटी के बारे में सोचना छोड़ देते हैं जब सोसाइटी के बारे में छोड़ना छोड़ते हैं आप विच इज़ टू से कि अब आप पॉपुलेशन ग्रोथ आपकी रुकना शुरू हो जाती है इसलिए कि बच्चे पैदा करना ना इनकनवीनियस हो जाती है आपके लिए आपकी तरक्की में ये बात बहुत दफ़ा मैंने कही मैं आपके प्लेटफॉर्म पे भी मैं रिपीट करना चाहता हूँ के पॉपुलेशन में रिप्लेसमेंट रेशियो होता है 2.1 पॉइंट वन फर्टिलिटी रेट कि हर औरत के 2.1 बच्चे होने sure. चाहिए आपकी आबादी उससे कम नहीं होगी बढ़ेगी भी नहीं कम भी नहीं होगी इस वक्त हाईएस्ट जो यूरोप में है वो फ्रांस की है एंड देर इज वन पॉइंट नाइन यानी कि टू से वो भी कम है hmm. Hmm. स्पेन और इटली में तो और से कम है आए तो hmm. हुए hmm. हैं hmm. 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 स्पेन में इस वक्त जो करंट फिगर्स हैं हमारे पास वो ये हैं कि अगर 100 लोग शादी करते हैं तो उनके अट्ठावन बच्चे पैदा होंगे अच्छा, अच्छा जिनके अच्छा, तैंतीस बच्चे पैदा होंगे <laughs> जिनके उन्नीस बच्चे पैदा होंगे सो बाय द टाइम यू गेट टू द फोर्थ जनरेशन 81 वन परसेंट पॉपुलेशन आपकी ख़त्म हो जाती हुँ। है हुँ। और ये डायरेक्ट रिज़ल्ट है इस मॉरल रिलेटिविज़म का इंडिविजुअलज़म का लिबरलिज़म का मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आज से 700 साल 800 साल बाद जब हिस्टोरियन जब वेस्टर्न सिविलइजेशन ख़त्म हो चुकी होगी जो कि अब ख़त्म हो रही है वो जब देखेंगे दुनिया की बड़ी बड़ी सिविलइजेशन का मुकाबला करेंगे आपस में मौजना करेंगे तो वेस्ट के बारे में वो क्या कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन मेडिकल सिस्टम्स क्रिएट किए एजुकेशन इंस्टीट्यूट की क्रिएट किए हर चीज़ ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए की लेकिन इस सारे प्रोसेस में निगलेक्ट किस को <laughs> किया पॉपुलेशन इससे बड़ा और नुकसान क्या हो सकता है फोर्थ जनरेशन इसमें इसमें ना जैसे अली भाई कैसर भाई ने बात की ना कि यानी आ, सारी चीज़ बुनियादी तौर पर यानी आज आगे बात यही आती है कि अल्लाह ताला को एक एक इंटेलिजेंट बीइंग एग्जिस्ट करता है जो ये सारी चीज़ें जानता बींगे इंटेलिजेंट अब ये चीजें जैसे इन्होंने बयान की ये शायद उस वक्त जब ये कर रहे थे ना शायद उस वक्त तो उनको इस चीज़ का पंता भी नहीं था मानी दुनिया के जितने फिलोसफर शायद मिलकर बैठ जाते वो कभी भी इस आउटकम को डिटर्मिन ना कर सकते जब तक कि उन्होंने आउटकम फेस ना कर लिया और अब वो इस लेवल पर पहुंच गए नाव जैसे आपने बताया कि अब वो वापस जाना उनके लिए बहुत मुश्किल है तो अल्लाह ताली बाजो इंसान को यानी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये इतनी लमाफ करें सिवियर लेवल की हैं कि अनलस आपकी जब तक जनरेशन ख़त्म हो जाती हैं तब तक आप रियलाइज़ yes, करते हैं yes, yes, लेकिन yes. उस वक्त फिर आपके पास वापस जाने के लिए नहीं इट्स टू लेट ऑलमोस्ट टू लेट तो मुसलमानों के लिए अगेन वही जो स्टैंडर्ड अल्लाह ने दे दिया है ना मैं कुरान में, में बड़ा हैरान होता था भाई मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कुरने मजीद में अल्लाह ने राइट और रॉन्ग के फैसले को ना ये अल्लाह पर झूठ बांधने से मंसलिक किया है और शिरक के बाद अगर सबसे बड़ा गुना है शिर्क के बाद सबसे बड़ा ये शिरक जैसा हमारे उस्ताद कहते हैं वो है हलाल और हराम का फैसला करना राइट और रॉन्ग का फैसला तसीफ़ालसिनतक बहदा हलाल हराम वहादा हमाम कि जब तुम अपनी मर्जी से और ये हक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात हूँ ये हक अल्लाह ने अपने नबी को भी नहीं दिया यानी यही नबील वसम् से बढ़ ज़ात कौन हो सकती है यानी नबी सल वसल्स से बढ़ कर एपिटोम ऑफ इंटेलिजेंस कौन सी हो सकती है मुझे बताएं लेकिन अल्लाह ने उनको भी ये हक नहीं दिया अल्लाह ने कहा लिमा तो हर एक दफ़ा वह शहद हराम कर लिए अपने ऊपर आपने कहा लि तो हर हरल्ला जिस चीज़ को अल्लाह ने

Uh, क्योंकि आपको पता है कि पो, पोप पपाइत का जो निज़ाम था चर्च का जो निज़ाम था हिपोक्रेसी और डिस्क्रिपेंसी फिर वो प्रोटेस्टेंट्स आए उन्होंने कहा जी ये तुमने क्या खोल लिया तरीका कि लोगों से पैसे लेते हो दुआएँ कराने के वगैरह तो वो मुतनफर हुए उस चीज़ से एंड दे हैव अ हिस्ट्री और दैट्स वाई आई थिंक वो इस तरफ चले गए शायद मुझे हमारी नहीं हाँ, मुझे अंदाजा नहीं है आप कितना टाइम रह गया मैं आपको मजे की बात एक करना चाहता हूँ देखिए वेस्ट में जो रिलीजन से वो लोग तंग आए थे ना वो बेसिकली मोरल रिलेटिविज्म वर्सेस मॉरल रिलेटिविज्म की ही जंग थी अच्छा जो क्रिश्चियनिटी है ना ये मोरली बड़ी रिलेटिविस्ट है अच्छा। बहुत ज्यादा और से उसकी एक वजह है ईसा इस्लाम की डिसअपयरेंस हुई थी एब्रप्टली हम तो नहीं मानते कि उनको मसलूब किया गया था हम नहीं मानते उठा लिए गए क्रिश्चिय मानते हैं कि नहीं उनको इस तरह से उनको शहीद कर दिया गया था वन वे और अदर एब्रप्टली जिंदगी खत्म हो गई अच्छा उसके काफ़ी टाइम के बाद फ्रॉम द सीन काफ़ी और छह छह सात लोग सारे उनको मानने वाले काफी टाइम के बाद जब रोमन क्रिश्चियंस हुए क्वेश्चन था कि अब इस रिलीजन को एज एन इंस्टीट्यूशन चलें कैसे जो चर्च है ये पेगन इंस्टीट्यूट था सही उसको क्रिश्चनाइज किया गया पॉप को सुप्रीम पॉन्टेफ कहा जाता है ये वर्ड भी आपको रोमन हिस्ट्री में मिल जाएगा उसका नाम ही उसका टाइटल का नाम पॉन्टेफ हुआ करता था वो सारे का सारा क्रिस्टिनाइज कर दिया गया आहिस्ता आहिस्ा फिर बहसें हद यहाँ तक हो गई कि कौन सी बाइबल ठीक है कौन सी नहीं ठीक ये वाकयात भी तारीख़ में मिलते हैं कि एक, एक मेज़ पे सारी किताबें बाइबल जो जिसको हम बाइबल कहते हैं सारी की सारी इकट्ठी रखो और मेज़ को शेक करो जो गिर जाती हैं वो बइबल नहीं है जो बच जाती हैं वो बाइबल है यानी <laughs> कि <laughs> और उसके बाद फिर सिस्टम को अपनी मर्जी के तहत वो डिवेलप करते रहे अभी बात हो रही थी प्रोटेस्टेंट्स आए वो क्या था बादशाह सलामत हैं हेनरी साहब

हमारा वो मामला नहीं है हमारे नबी इस दुनिया से गए तो मार्केट में प्राइस कंट्रोलिंग का सिस्टम मौजूद था इंश्योरेंस का सिस्टम मौजूद था डिफेंस का इंस्टीट्यूट मौजूद था सोशल सर्विसेज लोगों को अवेलेबल थी पूरे के पूरी स्टेट फंक्शनल थी हुँ। हुँ।

अभी कोई कहे ना यार गैरतमंद बनो इसको गाली समझा जाए hmm. वो कहेंगे टॉक्सिक मस्कुलिनिटी जो है ना प्रमोट की जा रही है कि गैरतमंद बनो अब देखें नबी की हदीस है कि दुयूस कहा उस शख्स को कि जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी वुमेन फोक जो है वो कहाँ बैठती हैं उठती बैठती हैं क्या पहनती हैं अब ये चीज़ आज आप लेकर आएंगे ना तो आपको फ़ौर कह दिया जाएगा कि भाई ये तो तुम टॉक्सिक मस्कुलिनिटी है रोब जमा रहे हो एक्सट्रीमिस्ट हो तो देन अगेन आपकी कंसिस्टेंट इन ये रूल अब हमें क्यों नहीं अप्लाई आप वो चीज़ करने देने Uh, देखें दुनिया के अंदर सबसे जो uh, जो बिगेस्ट स्टिस्ट ऑफ चेंज होता है ना वो एक इंसान का रिग्रेट होती है तो hmm. uh, 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 hmm. hmm. फिर रिग्रेट और गिल्ड किस चीज़ का सही, सही. और जब रिगरेट नहीं है जब कोई चीज़ गलत नहीं है कोई अहसास hmm. निदामत और तो शर्मिंदगी नहीं है तो फिर चेंज क्यों ठीक है ना सो इट इज अगेन हुआ ये ये और मैं आपको बताऊं इंसान कभी इसे स्केप नहीं कर सकता hmm. मैं ये जैसे कैसर भाई ने शुरू में बात की ना कि हमारे अंदर अल्लाह ने फितरत रखी है hmm. हमारा hmm. ज़मीर है जिसको हम कॉन्शियस इंग्लिश में कहते हैं अरबी में हम इसको लवामा नफ्से लवामा कहते हैं ये कभी मरेगा नहीं ये हमें मारेगा ये हमें अंदर से पिंच करेगा ये हमेशा एक स्पार्क हमें हमेशा से ना गिल्टी फील करवाता रहेगा द वेस्ट वेस्ट ये सफ़र किया उसने इट इज सफरिंग इट इज गोइंग टू सफ़र तो दे नीड अब इंसान ने उसको उन्होंने दे नीड टू एक्चुअली उसको चुप करवाना है किस तरीके से करवाएं तो वो कहते हैं कि हमारी फ़िलासफी है बिकॉज जब इंसान कहता है ना कि अच्छा यार मेरा एक प्रिंसिपल है दिस इज वेर आई स्टैंड तो इंसान को थोड़ा सा ना एक सकून मिलता है इम्नान hmm, मिलता है कि hmm, मिसाल hmm, के तौर पे जैसे आपने मिसाल के तौर पे Uh, मैं आपको प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ मिसाल तो अच्छी नहीं है लेकिन जस्ट जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि एक बंदा है उससे उसको जो है ना वो जा रहा था तो पुलिस ने उससे रिश्वत मांगी कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ एक बंदे को अब अप... उसने कहा नहीं मैंने नहीं रिश्वत देनी मेरा प्रिंसिपल ये मैंने रिश्वत नहीं दी उसे सफ़र किया उसको परेशानी हुई वो जा रहा है उसको लाइनों में भी लग रहा है वो जाके लाइन पैसे भी जमा करवा रहा है सिर्फ दो सौ रुपए की बात थी सही। मिसाल के सही। तौर अब बंदा क्या वो चीज़ है मुझे बताएँ क्या वो चीज़ है जो इंसान को यह सब कुछ बर्दाश्त करवाएगी इंसान का ये जो है ना एहसास के आई हैव माई वैल्यू आई हैव प्रिंसिपल उसकी बुनियाद पर मैंने किया है और इंसान nice, को इंसान ये nice. सब कुछ hmm. बर्दाश्त hmm. hmm. करेगा सब कुछ बर्दाश्त hmm. hmm. करेगा किसी ने ज्यादा की है इंसान सब कुछ बर्दाश्त करेगा Sigh. क्यों करेगा मॉरल स्टैंडर्ड मौजूद है Excellent. अगर Excellent. वो मॉरल स्टैंडर्ड आप खत्म कर देंगे ना अगर मॉल स्टैंडर्ड खत्म करेंगे आप कभी भी नहीं उसको बर्दाश्त कर सकते तो ने क्या किया, किया कि अपनी तरफ से एक मॉरल स्टैंडर्ड देने की कोशिश की और उसके लिए उन्होंने रिलेटिविज्म का जो इंट्रोड्यूस करवाया इसके अलावा इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं जस्ट एन एस्केपिज्म एक गिल्ट और रिग्रेट से भागने का एक एस्केपिज्म है जो कि असेंशियल

पैसिव अप्रोच टू मतलब यानी मैनहूड एंड वो बहुत ज्यादा फैलाते हैं और वो इसलिए फैलाते हैं कि मतलब यानी दे कैन इंडिविजुअली उसमें वो अपना प्लेयर मैक्सिमाइज कर सकें hmm. लेकिन जो एक्चुअल मॉरल गैरत और ये वो चीज़ें जो होती है ना एक्चुअली में ह्यूमैनिटी को सर्वाइव ये करवाते हैं फॉर एग्जाम्पल जब आप वॉर में होते हो ना यू आर विद अ बिगर अगर योर सेल्फ ठीक है ना बट इंडिविजुअलिस्ट हमेशा सेल्फ सेंटर्ड और पैसिफिस्ट होगा बिल्कुल ठीक है जस्ट टू कंक्लूड सो मैं विल ड्यूरेंट का के दो कोर्ट्स बताना चाहूँगा डिस्कस करना चाहूँगा कि एक कोट तो मैं इंग्लिश में एग्जैक्ट exactly याद नहीं बट उसका मीनिंग ये है कि अगर मोरालिटी को आप सेंकशन नहीं करेंगे ना किसी चीज़ के थ्रू तो वो खेल तमाशा बन जाएगी वो हंसी मजाक बन जाएगी और ही सेट के रिलीजन की सबसे बड़ी खिदमत ही है इंसानियत मतलब इंसान के लिए कि एहसान एहसान नोट खिदमत एहसान ये है कि रिलीजन ने मोरालिटी को सैंक्शन कर दिया यानी ये हलाल है ये हराम है ये विल ड्यूरेंट कह रहा है और वी इज़ अ वेल नोन नेम और फिर उसका एक कोट है कि सिविलाइजेशन तबाह कैसे होती है उसने कहा सिविलाइजेशन तबाह होती हैं जब वो अनडिसिप्लिन परसूट ऑफ प्लेजर में लग जाती हैं और आ जाके ये सारे सेंटेंसेस भाई मुझे करने दो तुम्हें क्या तकलीफ है मेरे लिए तो ये चीज़ हराम नहीं है ये आ जाके प्लेजर की सारी चीज़ें ना ऐसे के मैं सफर नहीं करना चाहता जैसे आपने कितनी कमाल मिसाल दी कि एक बंदा रिश्वत नहीं लेता नहीं। उसके नतीजे में उसे सफर करना पड़ता है तो वेस्ट वहाँ पे आगे गया कि नहीं, नहीं 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 सफरिंग को मिनिमाइज करना है हमने तो कोई बात नहीं रिश्वत देनी है तो दे दो बस सफरिंग मिनिमाइज जो है ना वो किसी ना किसी तरह होनी चाहिए सो जरा खैर थैंक यू सो मच मची कैसर भाई स्पेशली आपका शुक्रिया अल्लाह आपके काम में बरकत दे इंशाल्लाह विल कीप इनवाइटिंग यू एंड विल कीप हैविंग सच मोर सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम